शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके बाद अब सीएम केजरीवाल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। खबर है कि पार्टी अभी तक जिस चुनावी कैंपेन के तहत बीजेपी को घेर रही थी, अब पार्टी ने उसे पूरी तरह से रिक्रिएट करने का मन बना लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं, चौथे फेज की वोटिंग कल यानी 13 मई को होनी है। ऐसे में केजरीवाल की गैरहाजिरी में आम आदमी पार्टी कुल 4 चरणों में जेल का जवाब वोट से के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब चूंकि केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और अभी भी आम आदमी पार्टी की 18 सीटों पर चुनाव बाकी हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल की रिहाई के बाद क्या इन तमाम सीटों पर केजरीवाल की जीत पक्की है या उनकी जमानत से चुनावों के परिणाम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं इस मुद्दे पर सियासी जानकारों का मानना है कि 3 राज्यों की जिन 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं, उन राज्यों में अभी तक पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जा रही थी। इससे लोगों में केजरीवाल को लेकर एक तरह की सहानुभूति भी देखी जा रही थी, लेकिन अब उनकी रिहाई को पार्टी सत्य की जीत बता रही है। ऐसे में बचे 21 दिन में संभव है कि केजरीवाल इन 18 सीटों पर कैंपेन कर चुनावी रुख मोड़ सकते हैं। ये देखना बाकी है कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल अपने चुनावी कैंपेन के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, वे लोगों को रिझाने के लिए अपने भाषणों में किस तरह से इमोशनल एंगल निकालते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ आपको बताते चलें कि 3 राज्यों की जिन 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें 6ठे और 7वें चरण में मतदान होने हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल की ये जमानत इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।